कारगिल युद्ध की कहानी सुनिए कारगिल हीरो की जुबानी। 17 गोली खाकर भी दुश्मन देश की सेना को धूल चटाने वाले हीरो। टाइम 24 न्यूज पर परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव, जिन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र और 2.5 साल की सर्विस में बढ़ाया था देश का गौरव। 21वें कारगिल विजय दिवस पर योगेंद्र यादव से सुनिए कारगिल युद्ध का क्या था मंजर। सर, 21वां कारगिल विजय दिवस है। कारगिल युद्ध के दौरान आपने 17 गोलियां आपको लगी थी। हम जानना चाहते हैं कि कैसा वो मंजर रहा होगा। सबसे पहले 21वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में मैं उन तमाम सैनिकों को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए, सेना के लिए अपना सर्वोच्च नौछावर कर दिया। उनके परिवारों को भी नतमस्तक होकर के नमन करता हूं, जिन्होंने अपने बेटा, अपना पति, अपना भाई समर्पित किया इस देश के लिए। और ये तमाम जो, क्योंकि एक जो युद्ध लड़ा जाता है तो युद्ध सैनिक ही नहीं बल्कि जो ना पूरा देश का जन जन उस युद्ध में शामिल होता है, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से, आत्मिक रूप से और भावनात्मक रूप से उस सैनिकों के साथ में जुड़े होते हैं। तभी सैनिक की एक ताकत बनती है और वो सैनिक उस ताकत के बलबूते के ऊपर अपने कठिन से कठिन कार्यों को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और ये उन्हें मैं अपने उन तमाम साथियों को भी नमन करता हूँ, नतमस्तक होकर के नमन करता हूँ, जिन्होंने मेरे साथ लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने शहादत दी और अपने रेजिमेंट और देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। कैसा रहा था सर वो मंजर? बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही अस्मरणीय था, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। 16,000-18,000 फीट की ऊंची पहाड़ियां जिसके ऊपर दुश्मन बैठा हुआ था। दुश्मन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यहां से हम वापस जाएंगे, लेकिन वो भूल गए कि हिंदुस्तान की मिट्टी है और इस मिट्टी में सिंघनिया और शेर पैदा होते हैं, इनके मुकाबले गीदड़ नहीं किया करते। हिंदुस्तान के सैनिकों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उन पहाड़ियों के ऊपर दिन रात एक एक पहाड़ी को अपने खून से, अपने लहू के हर एक रक्त से पावन किया और दुश्मनों का खात्मा करते हुए चले गए। टाइगर हिल हो, चाहे दोलोलिंग हो, चाहे बटालिक हो, चाहे द्रास हो, हर एक चोटी के ऊपर हिंदुस्तान के सैनिक ने अपना एक नया इतिहास वहां पर बनाया है। इन 21 सालों में सेना, जो थल सेना की अगर बात करें तो काफ़ी बदलाव उसमें आए, काफ़ी मजबूत और भी ज़्यादा मजबूत हो गया, आधुनिक हथियार हैं भारतीय थल सेना के पास। ऐसे में दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ अब लगातार जो चीन है वो भी आंखें दिखा रहा है। बिल्कुल, यह है जो दिन प्रतिदिन जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी देश और दुनिया के अंदर बढ़ती जा रही है, तरक्की होती जा रही है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी जैसे सेना के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर भी जो है, तो ये दो तीनों सेनाएं, तीनों अंग जो है मजबूत होते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी से एक जो है कार्य क्षमता में जो है इजाफा होता है, सैनिक की जो है को भी बल मिलता है। और टेक्नोलॉजी और जो हमारी ट्रेनिंग है, खास करके जो ट्रेनिंग है आर्मी की, जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग जो एक सैनिक के कार्य क्षेत्र में उसकी कार्यशैली के ऊपर सबसे बड़ा जो है प्रभाव डालती है। लेकिन अगर उसको टेक्नोलॉजी कार्यशैली के साथ साथ मिल जाती है तो उसकी कार्य क्षमता में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो आज चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, कोई सा भी देश, अगर आँख दिखाने की कोशिश की जाएगी तो हिंदुस्तान के सैनिक उसकी आँखों को निकालने में सक्षम है। चीन और पाकिस्तान अगर दोनों एक साथ एक सुर में बात करते हो तो हमारी भारतीय सेना दोनों देशों की सेनाओं को धूल चटाने की ताकत सब रखती है। बिल्कुल, हमारी जो सेना है, जो क्योंकि सैनिक का जो सेना का जो ताकत होती, सैनिक होते हैं और सैनिक की ताकत उसका देशवासी होते हैं। तो देशवासियों का जो प्रेम है, जो उनका लगाव है एक सेना के प्रति, उनका एक जो जुड़ाव है, वो सैनिक को बहुत मजबूत बनाता है। उसको भावनात्मक रूप से भी, आत्मिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी उसको एक ताकत देता है। और सैनिक जो हिंदुस्तान का सैनिक है, उसमें सबसे बड़ी ताकत है कि वो आखिरी क्षण तक
जब तक उसके शरीर से रक्त का आखिरी कतरा तक न बह जाए तब तक वो अपनी मातृभूमि को छोड़ता नहीं है। गलवान घाटी के अंदर शहीद हमारे जो जवान शहीद हैं वो लड़ते लड़ते मारते मारते शहीद हो गए। तो ऐसे में जो आपकी सरकार की अगर बात करें, वर्तमान सरकार की ओर से कुछ चीनी ऐप को बैन किया गया है भारत में, तो क्या इसे डिजिटल स्ट्राइक भी कुछ लोग कह रहे हैं, आप इसे कितना जायज मानते हैं, क्या उतना काफ़ी कि ऐप? हाँ, आज की डेट में थोड़ा और भी होना चाहिए, लेकिन जितना भी किया है उतना भी बहुत है। लेकिन धीरे धीरे देखो, कोई भी देश जब को अगर हराना है तो उसको हम गोली से नहीं बल्कि वैलेट से भी हरा सकते हैं, बुलेट से नहीं वैलेट से भी हरा सकते हैं। और जहाँ हमें बुलेट की ज़रूरत है तो वहाँ बुलेट चलाया जाए, जहाँ पर वैलेट की ज़रूरत है तो वहाँ पर उसके चलाया जाए। हम दूसरे देश को अगर उसको हराना चाहते हैं तो उसको आर्थिक रूप से कमज़ोर करें, आर्थिक रूप से हम कमज़ोर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो देश अपने आप घुटनों पे आ जाएगा। आज हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर चाइनीज सामान का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने स्वदेशी को अपनाए, अपने देश के जो है आइटम्स दूसरे देशों के, उससे अपना एक देश के में रोज़गार भी होगा, देश के लोगों की जो क्षमता है कौशलता है उसका भी जो है आकलन होगा और वो अपने सक्षमता को दिखा पाएंगे। क्यों तो आप पूरे भारतीय जो युवा हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं, लेकिन अगर आपके क्षेत्र की बात करते हैं तो पूरी बेल्ट जो है वो सेना में जाने की तैयारी करते हैं, जज्बा देखा जाता है, ऐसे युवाओं को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश आपके ऊपर है? बिल्कुल, जो हमारे यूथ है इस क्षेत्र का, और ये बेसिकली जो है ये बेल्ट है हमारी मेरठ मुजफ्फरनगर गाजियाबाद बुलंदशहर, ये एक अलग तरह की बेल्ट है और यहाँ के जो लोगों का जो जो नौजवानों का जो जज्बा है वो एक अलग है। और मैं उस जज्बे को सलाम करता हूँ कि ऐसे यूथ जो आज तैयारी कर रहे हैं और जो अभी और आने वाले समय में अपने आप को और तैयार करने के लिए जो सोच रहे हैं कि मैं अभी सेना के अंदर जाऊँ, तो एक बहुत एक सिक्योर क्षेत्र है सेना, एक ऐसा सिक्योर क्षेत्र है कि आप एक बार भर्ती होगे तो आपका पूरा परिवार सुरक्षित है, सिक्योर है। और इसमें हम सबसे बड़ी, क्योंकि ये पूरा किसानी बेल्ट है और किसान और जवान, अगर राष्ट्रभक्ति की बात की जाए तो किसान और जवान इससे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं है, तो इससे राष्ट्रभक्ति की अगर हमें दिखाना है तो सेना हमारे लिए एक सबसे अच्छा माध्यम। उस रात के मंजर में अगर हम शॉर्ट में समझना चाहें तो कैसा सर वो मंजर रहा होगा, दो लाइन में आप ये बताएं? वो एक मंजर, एक अलग अनोखा मंजर था कि चारों तरफ से गोलियां ही, रास्ता कट ऑफ हो गया था, चारों तरफ से गोलियां ही गोलियां चल रही थी, सिर्फ हम सात जवान थे और सातों जवान 5 घंटे तक ऊपर टाइगर हिल टॉप के ऊपर लड़ते 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 एक एक करके मैंने अपने साथी को खोते हुए देखा। किसी के सर में यहाँ पर गोली लग रही है तो यहाँ से खून का फव्वारा छूट रहा, किसी के पूरे सीने में गोली लग रही है तो एक उसके सीने से पूरे फेफड़े निकल करके बाहर आ रहे हैं। तो गुत्थम गुत्था की 5 घंटे की लड़ाई के दौरान मैंने अपने 6 साथियों को खोया है, मैं भी जख्मी अवस्था में था, उनकी तरफ से तो मर चुका था 3 बार गोलियां मारने के बाद भी, यहाँ इस बाजू में गोलियां मारी, इस पैर में गोली मारी, 17 बुलेट लगे, बाकी कई ग्रेनेड के टुकड़े लगे, उनकी तरफ से तो मरा था लेकिन परमात्मा को जिंदा रखना था। और इस देश को भारत माँ बोलते हैं और क्यों बोलते हैं इसका एहसास आज मुझे हुआ है कि अब समझ आइए कि जो है इस देश को माँ क्यों बोला जाता है, क्योंकि माँ अपने बेटों की वीरता शौर्य और पराक्रम को कभी दफन नहीं होने देती है, किसी न किसी एक को माध्यम जरूर चुनती है कि उसका बेटों की शौर्य वीरता पराक्रम दुनिया तक पहुँचे। शायद इस माँ ने मुझे चुना हो क्योंकि दुश्मन जब सीने के ऊपर भी गोली चलाई तो यहाँ पर सिक्कों पर जाकर लगी और रिकॉचिट हो गई, तो शायद परमात्मा को भी जिंदा रखना था। तो वो सब कुछ हो जाने के बाद फिर भी इतनी घायल अवस्था में दुश्मन के ऊपर ग्रेनेड फेंका है, ग्रेनेड फेंक करके उसको घायल किया, उसको वहाँ पे ख़त्म किया, फिर उसी की राइफल से 5 पाकिस्तानियों को घायल होने के बाद मारा और फिर वहाँ से खदेड़ करके टाइगर हिल टॉप को खाली करा करके फिर वापस नीचे आया। कैसे हमारे शूरवीरों ने हजारों फुट ऊंचाई पर पाक की सेना के 3,000 से ज्यादा जवानों को किया था ढेर। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।